श्रीनगर में कई इलाकों से इन दिनों आवाम फिर सड़कों पर है। इस बार लोगों को चावल लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाराज हैं आवाम, चाहते हैं राशन कटौती से लोग सख्त न हैं कि सरकार जिस तरह उन्हें पहले से भूखमरी के हालात पैदा हो रहे हैं। लोगों ने महकमे अमूर सार्फीन पर इल्जाम लगाया कि वो लोगों को राशन देने में नाकाम है और उन्हें खुदा के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। मसला यही है कि हमारा 35 किलो देते थे, आज फिर क्या है 28 किलो, आज 3 किलो। क्या बात है, ये कौन सा इंसाफ है? अब क्या चाहते हैं बालों का? हम बराबर चाहते हैं जो हमारा था, जो हमारा खुदा था, और ये हिंदुस्तान को भी पता है कि हम चावल खाने वाली रियासत है, यहाँ पर अलग कोटा होता था चावल का। वही महकमा उमूर सार्फीन और अवाम तकसीमकारी के आला हुक्काम का मानना है कि अवाम को बहुत सारी गलतफहमियां हैं। महकमे के डायरेक्टर मुश्ताक वार का कहना है कि हर एक फैमिली को जरूरत के मुताबिक चावल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी कुनबे में 5 अफराद हैं तो उनको उसी के मुताबिक चावल दिया जाएगा। कुछ दिनों से हमने देखा अखबारों में, लोगों में तशवीश किया गया है कि आप लोगों को राशन जो है वो 3 किलो राइस मिलेगा और 2 किलो आटा मिलेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसकी कोई रिलेवेंस ही नहीं है किसी जगह जहां पर 3 और 2 की बात हो जाए। जो राशन है वो 5 kg जो है पर सोल जो मुकरर हुआ है एक्ट में उसी हिसाब से है, लेकिन उसमें भी हमने ये बनाया है कि जितनी भी फैमिलीज है जिनका 40% 30 kg बनता है या 35 kg बनता है उनको 30 kg राइस जो है वो मेंटेन रहेगा, और बियॉन्ड दैट जितना भी बनेगा, अगर किसी फैमिली का 50 मिलता है तो उसको 45 किलो जो है वो चावल मिलेगा और 5 किलो आटा मिलेगा। अगर कोई ऐसी फैमिली हो जिसको 30 ही किलो बनता है उसको 30 के 30 हम राइस ही देंगे, उसमें हम आटा ऐड नहीं करेंगे। अगर वो चाहता है कि मुझे आटा दे तो उसकी कहने पर दे देंगे, वरना उसमें हमें देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको हम राइस ही दे देंगे 100%। अगर कोई फैमिली है जिसका शराब बनता है कि उसको 15 किलो देना है तो पूरा उसको मिलेगा राइस ही, क्योंकि हमने देखा है कि जो शराब फीसद है 5 से ऊपर है, 6 है या 7 हो या 8 हो या 10 हो, जितने भी है मल्टीप्लाइड में 5 करके जितना भी उसको बनता है मैक्सिमम उसको राइस मिलेगा 5 kg आटा। श्रीनगर के हर इलाके के लोगों को एक जैसी शिकायत है। ये लोग चाहते हैं कि चावल की नई तकसीमकारी को फिलफौर बंद कर दिया जाए। जी सलाम के लिए श्रीनगर से मंजूर अहमद भट्ट की रिपोर्ट।